हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है नए वीडियो साथ मैं यूट्यूब निकल पे। और दोस्तों, ये चैनल है लोन हरसमेंट के खिलाफ। अगर आप भी रिपेमेंट नहीं कर पा रहे हैं, कई लोन कंपनियों से आपने भी लोन ले रखा है और आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं, तो ये सब कॉल आना, रिकवरी कॉल आना, नोटिस आना, ये सब आपको कुछ दिनों में नॉर्मल लगने लगेगा। शुरू में तो थोड़ा अजीब लगता है बाद में, लेकिन जब आप जानने लगेंगे, अपने अधिकारों को जान जाएंगे, तो आपको ये सब कुछ नहीं लगेगा। ये सब इनकी धमकाने की तरीका है, कॉल द्वारा, रिकवरी एजेंट, नोटिस, प्रतिनिधि नोटिस, अधिकार नोटिस, डिमांड नोटिस, दुनिया भर की नोटिसें ये भेज भेज के आपके ऊपर प्रेशर बनाने की कोशिश करते हैं, किसी तरह मेरा पैसा दे दें। जैसे ही हर कंपनी का रूल अलग होता है, कोई एक ही बाउंस होने एक ही ईएमआई बाउंस होने पर नोटिस भेज देता है, कोई कोई दो या तीन ईएमआई, किसी की चार ईएमआई बाउंस होने पर इस तरह की नोटिस आती है, रिकॉल नोटिस होता है। और इसमें दोस्तों ये जो है पूरा जोड़ के जितना आपने पैसा दिया है और ईएमआई दे चुके हैं, टोटल पूरा उस पर ब्याज व्याज जोड़ के, अपना लेट फीस जोड़ के पूरा मान लेते हैं। यहाँ इतना पेमेंट आपको करना है, 7 दिन या 15 दिन का समय ये देते हैं। तो दोस्तों, इस तरह की नोटिस से आप परेशान मत होइएगा कि हाँ नोटिस आ गया, अब मैं क्या करूँ, अब मेरा क्या होगा, कोर्ट केस हो जाएगा, क्या पुलिस मुझे ले जाएगी, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। ये सब इनके धमकाने के अलग अलग तरीके हैं, और बिल्कुल भी परेशान मत होइए। इसका मतलब कि आप इसका एक मतलब और लगा सकते हैं कि आप सेटलमेंट के करीब आ रहे हैं, और इनको पकाते रहिए धीरे धीरे। अगर आपके पास है, मैं नहीं कह रहा हूँ दोस्तों कि पैसा है आपके पास फिर भी ना दें, तो ये गलत है। लिया है आपने तो बिल्कुल दें, अगर हो तो आप पेमेंट कर दें इनका और छुट्टी पाएँ इनसे। अगर है ही नहीं तो भी कहाँ से देंगे भाई, जिसके पास है नहीं वो कहाँ से देगा। चाहत कितनी चाहत हो कि हाँ दे दें, फुर्सत पाए, कौन चाहता है कि हाँ उसका हरेसमेंट हो, उसके साथ कॉल किया जाए, इस तरह के नोटिस आए। ये सब दुनिया की अंजाम कोई नहीं पसंद करता, लेकिन यार मजबूरी आ जाती है इंसान के सामने, तो वो क्या करे, चाह कर भी नहीं दे सकता। अगर होता तो पहले ही ना दे देता, क्यों ईएमआई बाउंस होती। जब है ही नहीं तो भी भेजने दो इनको, जो भेजना हो सब आराम से सब रखते जाओ। ये जब समय आपका बीत जाएगा तो ये कागज़, ये नोटिसें आपको अपने बुरे समय को याद दिलाएंगे कि हाँ एक समय आपकी ये हालत थी कि आप रिपेमेंट नहीं कर पा रहे थे और नोटिस पे नोटिस आ रही थी, कॉल आ रही थी। तो ये आपकी मेमोरी है, इसको आप रखते जाइए, कहीं फाइल बनाते जाइए, बहुत सी नोटिसें आपके पास हो जाएंगी, रिकॉल की, डिमांड की, और रिमाइंडर नोटिस, और कई कई तरह की नोटिसें। धीरे धीरे आप कलेक्शन आपके पास हो जाएगा, और जब आप समय बीत जाएगा, आपका परेशानी होगा, तो इसको बढ़िया फ्रेमिंग करके आप चाहे तो लगा लीजिए दीवार पे, नहीं बच्चों को दे दीजिए, जहाज बना के उड़ा दें, खेलें, और मस्त बिल्कुल मस्त रहिए, बेफिक्र रहिए। जब है ही नहीं तो क्या, कौन क्या कर लेगा, करने दो, जो उनको भेजना हो भेजने दो, बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं दोस्तों। और इसी तरह और नवीन ने भी भेजा था डिमांड डिमांड नोटिस भेजा था, वो भी मैंने वीडियो अपलोड किया है, आप देख सकते हैं। तो इन सब चीज़ों से परेशान होने की जरूरत नहीं, बिल्कुल बेफिक्र होकर रहिए, अपने काम पर ध्यान दीजिए, क्योंकि तो वही एक रास्ता है, इनकम ही आपको इस दलदल से, इस लोन ट्रैप से निकाल सकती है। आप कमाएंगे अच्छा तभी जो है इनसे फुर्सत पाएंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में ये छोटी सी जानकारी आपके साथ शेयर की है। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करिएगा, और हाँ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, ताकि आपको नई नई जानकारियाँ मिलती रहें और आप भयमुक्त होते रहें, तनाव मुक्त होते रहें, आपको डर न लगे किसी भी नोटिस, किसी भी रिकवरी कॉल या एजेंट का, क्योंकि आपके पास भी अधिकार हैं। आप इस पे चाहें तो रिप्लाई इनको कर सकते हैं, जवाब दे सकते हैं।
चाहे रुपये के माध्यम से चाहे तो कुछ ना करें भाई, नहीं तो क्या करना, क्या जवाब देना है कि हाँ भैया 1 महीने बाद दे देंगे, सही नहीं पता है नहीं दे पाएंगे तो क्या जवाब देना है। तो देना है तो तरीके हैं ना, आप जो है उनसे मांग लीजिए एग्रीमेंट, आगे कार्रवाई की दी। लेकिन जब भाई नहीं तो देना कहाँ है, तो दोस्तों इसी के साथ आगे दीजिए, आप सभी का धन्यवाद।